क्या सेपरेशन के दौरान भी जब पति और पत्नी अलग अलग रहते हैं उस ड्यूरेशन में पत्नी पति से मेंटेनेंस या भरण पोषण अपने और बच्चे के लिए क्लेम कर सकती है, या बिना कोर्ट गए पति की ये जवाबदारी बनती है क्या कि जब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, पत्नी बच्चों के साथ में अलग रह रही, उस समय पति को मेंटेनेंस या एलिमनी पे करना चाहिए या नहीं, इसी मुद्दे को विशेष तौर पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है हमारे चैनल में दी गई, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। लगातार ऐसे जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते हैं, आप तक पहुँचते रहेंगे। जब कभी भी अलग अलग रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तलाक ले लिया, तो हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, कानूनी तौर पर भी और नैतिक तौर पर भी, मॉरल एंड लीगल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पत्नी और अपने बच्चों का सपोर्ट करे। सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। जब वापस आप साथ रहें फिर आप ख़त्म करें, फिर बंद करें, लेकिन जब वो अलग रह रही है उस समय जो आपका दायित्व है वो आपको पूरा करना चाहिए। अगर फिर भी पति आपको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं देता तो ये पत्नियों के लिए विशेषतर आप केस फाइल कर सकते हैं, कहाँ पर, कोर्ट में, मेंटेनेंस का, भरण पोषण का। और जो फैमिली कोर्ट है या जिस भी आपने कोर्ट में केस अपना दाखिल किया है, दर्ज किया है, वो आपके पति को नोटिस भेजने के बाद जो भी एक उचित मेंटेनेंस है, भरण पोषण की राशि है, वो पति से पत्नी को दिलवाएगा। अमूमन ऐसा जो मामला रहता है वहाँ पर पति अपनी पत्नी को रिटेलिएट करने के लिए मेंटेनेंस देना बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका जो केस है वो तलाक की तरफ ज़रूर बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप वापस अपने बच्चों को पाना चाहते हैं, अपनी पत्नी को आप वापस लाना चाहते हैं, उस कंडीशन पर आप मेंटेनेंस कंटिन्यू रखें। एटलीस्ट आप अपनी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरा करें। इससे समझौता होने में भी काफ़ी आसानी, और आपके पास ये शब्द रहते हैं कि जब आप अलग भी रह रहे थे तब भी मैंने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मैंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। इनफैक्ट ये चीज़ दूसरों को भी दिखती है और वो भी आपके रिश्ते को रिकाउंसिल करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो जो टेम्पोरेरी सपोर्ट है, ड्यूरेशन जो आपका सेपरेशन है उस दौरान भी आपको करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव रहेगा। लेकिन जहाँ पर पत्नी कमा रही है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, अर्निंग है, वहाँ ना करें तो भी चलेगा। बच्चे की अगर बात करें, अगर बच्चे पत्नी के साथ में हैं, अलग अलग दोनों रह रहे हैं, उस कंडीशन पर बच्चे का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कहीं पे कोई नुकसान ना हो, इस बात की व्यवस्था करना आप दोनों का ही काम है। तो इसलिए अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन, ट्यूशन एक्सपेंसेस हैं तो वो, खाने के, रहने के, बाकी जो खर्चे हैं वो सारे पति और पत्नी को उठाने चाहिए, ऐसा उचित प्रावधान बनाना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही बिल्कुल स्पष्ट है, सेपरेशन मतलब तलाक नहीं होता, और पति को पत्नी पति से सपोर्ट ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, और पति को देना चाहिए, बच्चों के लिए भी और पत्नी के लिए भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। किसी परेशानी के लिए बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकेंगे मुझे बात। मिलते हैं, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।